हाय गाइस, कैसे हैं सब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज दोपहर में पनीर टिक्का। तो इसके लिए मैंने ले लिया है दही। बकरीद आने वाली है तो बहुत कम गोश्त का ये रहता है कि बनाऊं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते तो बनाना पड़ता है। उसके लिए आज मैंने ये सोचा कि पनीर टिक्का बना लेती हूँ दोपहर में, और फिर मैं शाम में देखती हूँ क्या करना है। आज है सैटरडे का दिन, तो मैं ये बना रही थी पनीर टिक्का, और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए दही के अंदर। ये दही थी, दही के अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, या टिक्का मसाला हो आपके पास वो डाल दें। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया था, ये डाल दिया। और इसके अंदर पनीर के पीस डाल दूँगी और ऊपर से इसको तवे पर रोस्टेड कर लूँगी ऑयल के अंदर। तो ये छोटी सी रेसिपी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जल्दी जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को। और क्या कहते हैं, ये थोड़ी देर मैंने इसे मैरिनेशन पे रखा था क्या कि ताकि इसके अंदर जो भी स्पाइसेस हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ना बकरीद की तैयारी चल रही है, घर की साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें रेगुलर की जो होती हैं, जो ईद के टाइम पे स्पेशली की जाती हैं, वो मैं स्टार्ट करने लग रही हूँ अब। और अब मैंने ये सेकने के लिए रख दिया, और ऊपर से मैं डाल दूँगी इसके अंदर ऐसे करके टमाटर और थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल दें। और उसके बाद जाना था मुझे मार्केट, मार्केट से लाना था कुछ घर के लिए मसाले, घर की चीज़ें जो कम थी, और थोड़े से ये दुपट्टे कॉटन के देख रही थी मैं, जो भी सामान मिलता गया हम रास्ते में से लेते गए। तो ये मार्केट थी, स्ट्रीट मार्केट, और यहाँ शॉप भी हैं बहुत सारी और अच्छी खासी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। ये मसालों की शॉप है जहाँ मैं गई थी अंदर, वहाँ से मुझे बहुत सारे मसाले भी लेने थे, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जगह जगह से। तो ये मैं चली गई थी मार्केट में, तो वहाँ से आने में लग गया था बहुत टाइम, और वहाँ से आके बनानी थी मुझे घर के शाम के लिए बिरयानी। ये मैंने कचरी पाउडर लिया था जो कबाबों में अक्सर डलता है, तो ये मैं वो ले रही थी। और आगे भी मैंने बच्चों के लिए कुछ सामान लिया था, और ये मेरी सिस्टर चूड़ी देख रही थी अपने लिए। और बस मार्केट में चलते गए हम, जो चीज़ दिखती गई, सामान था, सूट थे, जो भी चीज़ मिलती गई हमने ली थी, सामान काफ़ी सारा सामान लिया था। गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए मैं 4-5 बजे के बाद निकली थी मार्केट के लिए ताकि धूप थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आते हुए बहुत क्या कहते हैं लेट हो गई थी मैं, इसी वजह से कि लेट 4-5 बजे जाने की वजह से। और फिर वहाँ से आके मुझे खाना भी बनाना था, मैं आधी तैयारी पहले ही करके चली गई थी और बाकी की तैयारी मैंने आगे करनी थी, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा नहीं। ये मेरी बहन बोल रही थी हाँ हमें दिख गए सलमान खान।
मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस भी लेनी थी, तो मैं यहाँ जो देख रही थी ड्रेस, वो मुझे कपड़ा इस तरह का नहीं लगा जो गर्मियों में कंफर्टेबल हो पहनने में। ये थे पार्टी वेयर टाइप के, जो कि डबल थे, जॉर्जेट में थे, या फिर कोई और फैब्रिक था जो उससे कम अनकंफर्टेबल सा फील होता। हालांकि लाइट वेट थे बहुत, लेकिन फिर भी इन्हें ये वाले कपड़े मुझे समझ में नहीं आए। फिर मैं लास्ट में एक कॉटन का मुझे अच्छे से दिख गया था टॉप जो मैंने ले लिया था। फिर बस ये कपड़े मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगे थे, फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। अच्छा, मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद मैंने बना ली थी ये बिरयानी, और सब चीज़ फैल गई थी। जल्दी जल्दी करना पड़ा था सब काम, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। रास्ते में जाम भी था, ट्रैफिक भी था, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा लेट होना हो गई। तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो भी किचन में फैलता गया बस फैलने दिया, और काम से निपटने की सोची कि खाना बन जाए पहले। ये देखें इतने सारे बर्तन हो गए किचन में, सब बाहर जड़ सी फैल गई। अभी इन्हें सब फटाफट समेटूँगी मैं, और जल्दी से अपना काम निपटाऊँगी। जब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ दम पे आने के लिए, ताकि चावल और अच्छे से खिले खिले और अच्छे हो जाएं। और उसके बाद खाई हमने आइसक्रीम, कुल्फी वाली थी ये, और इतनी गर्मी थी ये, इतनी जल्दी मेल्ट हो रही थी कि निकालते निकालते ही टूट रही थी ये रैपर में से। तो बस ये आइसक्रीम खाई उसके बाद में, और फिर मैं नेक्स्ट डे है ये संडे का, और संडे में मुझे जाना था। बच्चे बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो मैं इनको लेके गई हूँ पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। ये मैं घर के सारे लॉक कर रही हूँ, चाबी मैंने ले ली है, और ये है बाहर का मेन डोर, ये भी मैं लॉक कर दूंगी, और हम जाएंगे अब पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा क्या कहते हैं, मैं अपने लिए पर्सनली गई थी गोलगप्पे खाने, जहाँ से मैं अक्सर खाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने वहाँ के नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा आज मैं अकेली हूँ, बच्चों के साथ हूँ, तो मैं चली जाती हूँ। हमारे घर से थोड़ा सा दूर है डोमिनोज, जहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा खाने के लिए बच्चों ने कहा था, तो ये ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है रिक्शे से। तो बस हम वहाँ पहुँच गए, और अब खाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में ना मुझे इतना खाना नहीं था जितना बच्चों का पसंद है, तो मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर किया, और मुझे खाने थे गोलगप्पे, तो मैंने अपने लिए कहीं और से गोलगप्पे मंगवाए। जब हम यहाँ बैठे थे तो यहाँ ऑलरेडी फुल था, क्योंकि संडे का दिन था, तो यहाँ फुल रहता है संडे में। तो हमें जगह मिल गई थी लास्ट में, थोड़ी देर वेट करने के बाद में फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे खाने के बाद में। और बस फिर उसके बाद हम जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए। ये वो मार्केट है जहाँ से मैं अक्सर, मुझे जहाँ के अच्छे लगते हैं गोलगप्पे, तो ये गोलगप्पे हैं वो की मार्केट है। यहाँ पे आप सभी तरह का सामान मिल जाता है, कपड़े, शूज, और जो भी आपको लेना हो, बर्तन वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। ये भी अलग से मार्केट है एक, या गई है वो दुकान जहाँ से मैं खाती हूँ, स्ट्रीट फूड है ये। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के इनके गोलगप्पे होते हैं, ऐसा लगा कि कितने दिन बाद वही टेस्ट मिला है। तो मैंने जब ये खाए तो बहुत ही मज़ा आया मुझे खा के, और घर आके मैंने पी थोड़ी सी अपनी चाय, और ये नमकीन, और ये ब्रेड, क्योंकि ये बच्चे साथ में लेकर आए थे चीज़। तो ये छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग था। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।